In this video, we will cover the new topic strain. तो strain को सबसे पहले हम define करते हैं. तो strain equal होता क्या है? Strain equal होगा change in configuration upon ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ये स्ट्रेन का फार्मूला है. एज यू नो दैट व्हेन वी अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ए बॉडी, जब हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है. ठीक है, द बॉडी सेट टू बी स्ट्रेन्ड और डिफॉर्म्ड. उस बॉडी को फिर हम क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी को हम कह सकते हैं कि बॉडी इज सेट टू बी स्ट्रेन्ड एंड डिफॉर्म्ड. ठीक है, अब डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे स्ट्रेन को? द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन. तो इन दोनों का रेशियो ही हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रेन कहलाएगा. ठीक है, स्ट्रेन की बात करते हैं यूनिट की. अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? तो स्ट्रेन की नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है. ठीक है, और नो डायमेंशन. डायमेंशन भी क्या होती है बेटा? डायमेंशन लेस होता है. ठीक है, अब बात करते हैं यहां से टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. अब स्ट्रेन मोस्टली थ्री टाइप्स के होते हैं ये. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, तो लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेन, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, ऑन अ बॉडी, देन द चेंज लेंथ अलोन, देन स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. मतलब ये बॉडी की लेंथ में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसकी शेप या साइज को चेंज करता है. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो फार्मूला होगा वो होगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास यहाँ लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, अब चेंज इन लेंथ, सपोज करो हमारे पास ये वायर है, क्रॉस सेक्शनल वायर है ये, और इस वायर की लेंथ है वो एल है. ठीक है, अब यहाँ हमने इस पर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स. जब यहाँ इस पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई किया तो सपोज करो इसमें चेंज हुआ ये, और चेंज कितना हुआ? डेल्टा एल. ठीक है, यहाँ वेट, सपोज करो वेट डालेंगे यहाँ, तो इसमें चेंज हुआ डेल्टा एल. अब ये कौन सा स्ट्रेन है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ. लेंथ में कितना चेंज हुआ? डेल्टा एल. डेल्टा एल लेंथ चेंज हो गई ओरिजिनल लेंथ,
तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का यही फार्मूला है। अब देख लो यहाँ से इसकी यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट मीटर अपॉन मीटर, कैंसल आउट हो जाएगा तो यूनिट लेस हो गया और डायमेंशन लेस भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, सिमिलरली डेल्टा बी अपॉन बी, ये वॉल्यूम पर वर्क करता है, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो इफ़ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन ए वॉल्यूम अलोन, यानी वॉल्यूम में चेंज करता है, जहाँ भी वॉल्यूम में चेंज हो, सपोज करो ये हमारे पास कोई लिक्विड है, इसमें लिक्विड है और इसे हमने कंप्रेस किया है, क्या किया कंप्रेस करने पर इस तरह से वॉल्यूम कम हो गया। तो सपोज करो पहले वॉल्यूम बी था और कंप्रेस करने पर डेल्टा बी कंप्रेस कर दिया हमने, ठीक है, तो डेल्टा बी अपॉन बी हो गया यहाँ से फार्मूला। तो ये वॉल्यूम कितना आ गया, अंदर वाला वॉल्यूम होगा बी माइनस डेल्टा बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड है शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन मोस्टली, इसके लिए हमें एक डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये डायग्राम को एक ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम को ड्रॉ किया, शेयरिंग स्ट्रेन सपोज करते हैं इस वाले फेस पर हमने एक फोर्स लगाया है एफ, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे इस पर तो ये जो इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा इस तरह से, इसमें चेंज होगा इस तरह से, ये चेंज हुआ, ये चेंज कितना हो रहा है डेल्टा एल। टोटल लेंथ क्या है इसकी, कैपिटल एल, और ये जो है ये थीटा। तो शेयरिंग स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं थीटा से, तो थीटा इक्वल हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो द शेयरिंग स्ट्रेन इज ऑल्सो डिफाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस अंडर ए टेंजेंशियल फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, तो ये कैपिटल एल से इसीलिए हमने डिनोट किया है, उसे स्मॉल एल से डिनोट किया था, ये कैपिटल एल ले लो, ये भी कैपिटल एल ले लो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मोस्टली, वहाँ डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी होता है, लेकिन ये सरफेस पर वर्क कर रहा है, दोनों की सरफेस पर। ठीक है, टेंजेंशियल सरफेस पर, तो ये माइनर डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी हुक्स लॉ।